सर, न्यू शांति विहार कॉलोनी में एक बम ब्लास्ट है, वो हुआ था क्या? पूरा मामला है वो निकल कर सामने आ रहा है। हमारे पास कंट्रोल से इतना आई थी, तुरंत मौके पर पहुंचे, वहां जाकर देखा तो इरफान नाम का लड़का है जिसके घर पे कुछ विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ था, जिससे उसका एक कमरे का शटर फटके और साइड में गिरा हुआ था और टेबल प्लास्टिक की चेयर वगैरह जली हुई पड़ी हुई थी। प्राथमिक जांच में क्या सामने आया? प्राथमिक जांच में ये सामने आया कि उसने गंधक यानी सल्फर और पोटास रखा हुआ था, उसके पास दोनों को मिक्स करके रखा हुआ था और जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वो चिंगारी पकड़ के और उसमें विस्फोट हुआ है। सर, किन किन धाराओं के तहत मुकदमा है वो दर्ज किया गया है? इरफान के खिलाफ क्या इरफान की गिरफ्तारी है वो हो चुकी है? इरफान के खिलाफ आईपीसी 285 आईपीसी व इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 सेक्शन 9B एंड सेक्शन 5 ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 के तहत दर्ज किया गया। गिरफ्तार कर लिया सर इरफान को? गिरफ्तारी कर ली जाएगी जल्दी। सर, बम स्क्वाड और एफएसएल को मौके पर बुलाया गया था? हाँ, एफएसएल टीम भी मौके पर आ चुकी है और बम डिस्पोजल टीम भी मौके का मुआयना कर चुकी है।